स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रोटी में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे मून में ताकत के बारे में, यानी मून पावर, मून में एनर्जी कैसे लाया जाए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले एनर्जी के बारे में समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा उसका ज़रूरत क्यों है, मतलब क्या क्या चीज़ के लिए हमें उसे चाहिए। सबसे पहला होता है लाइफ सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो लाइफ सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, आप समझ ही सकते हैं, बिना उसके तो आदमी ज़िंदा रह नहीं पाएगा। एटमॉस्फेरिक सिस्टम यानी टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एयर स्क्रबर्स जो कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हवा से निकालता है, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, मतलब जो चीज़ आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए चांद में, वो तो उसके लिए बिजली चाहिए, क्योंकि अर्थ के जैसा उसमें एटमॉस्फेयर तो है नहीं। एटमॉस्फेयर हर चीज़ को बफर कर देता है, तो टेंशन नहीं लेना पड़ता है। तो वैसा ना होने के चलते आपको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। दूसरा कम्युनिकेशन, पहले आप ये समझिए, चांद में तो ऐसा नहीं ना कि दरवाज़ा खोल के किसी दूसरे पड़ोसी के पास चले गए, तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो ये होता है सबसे पहला नीड, सबसे पहले इसी को समझना है। दूसरा, ठीक है चांद पे चले तो गए, घूमने फिरने के लिए काफ़ी लोग जाएंगे आएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ किया नहीं जा पाएगा। कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, मतलब इंसानियत को आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग करना है हम लोग को चांद पे, ताकि इंसान अंतरिक्ष में एक्चुअली कुछ कर पाए। अभी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ज़्यादा वजन भेज ही नहीं सकते, लेकिन चांद से ज़्यादा वजन को अंतरिक्ष में डालना बहुत आसान होता है। लेकिन अब आप ऐसा थोड़े करेंगे कि धरती से पहले चांद में गए फिर चांद से अंतरिक्ष में आए, लंबा रास्ता है। लेकिन अगर अंतरिक्ष में आप सामान बनाने लगे, यानी कोई एस्ट्रॉइड में या मून में आप कुछ करने लगे, जैसे ये माइनिंग, ये इंडस्ट्रियल रिफाइनरी आप चलाने लगे मून पे, मून के ही मटेरियल से लेके, तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो और इंडस्ट्री तो आपको पता ही है, मेगावाट द मेगावाट में बिजली खाता है, मतलब सोचना ही नहीं है। तो बिजली के मामले में तो मेटल का प्लांट के आगे तो कोई आता भी नहीं है, ठीक है, वो तो कर लिए। फिर थर्ड स्टेज में ये होगा कि आपको, ठीक है, आप वहाँ लोग जिंदा रह पा रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन उस सामान को वापस आप कैसे भेजेगा? वो मेटल बना के, हाँ, आप चांद में ही खर्च करेंगे, मतलब कि चांद में ही हैबिटेट्स बनाए जाएंगे, चांद में और मशीन बनाए जाएंगे ताकि इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़े, लेकिन एंड में तो आपको सेल करना है, और सेल आपको अंतरिक्ष में करना है। तो अंतरिक्ष में वापस भेजने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करना अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि रॉकेट का इस्तेमाल जिस टाइम अगर हम लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईंधन बर्बाद करेंगे, मतलब 100 टन भेजने के लिए 100 टन का ईंधन बर्बाद कर सकते हैं, और रॉकेट उतना रिलायबल होता नहीं है। तो हम लोग को इस तरह का मैग्नेटिक एक्सेलरेटर चाहिए, यानी बेसिकली समझिए मैग्नेट वाला जो ट्रेन होता है जिसे मैगलेफ कहते हैं, वही चाहिए। और मैगलेफ को करीब 8000 किलोमीटर प्रति घंटा या 9000 किलोमीटर प्रति घंटा पे अगर चलाएंगे तो वो सीधे ऑर्बिट में निकल जाएगा, मतलब पटरी से सीधे वो ऑर्बिट में चला जाएगा। तो आप बोलोगे यार उतना स्पीड पे चलाना तो मुश्किल है, उतना स्पीड पे चलाना धरती में मुश्किल है दो रीज़न के चलते। एक तो ग्रेविटी ज़्यादा है, तो ग्रेविटी के चलते मास तो नहीं चेंज हो रहा है लेकिन आपका वेट चेंज हो जा रहा है। मतलब अगर आप एक ही मास लेते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय वेट इक्वल्स मास मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटी इक्वल्स वेट। सो आपका जो वजन है कि मतलब एक टन जो है चांद पे भी उसका मास सेम है, धरती पर भी उसका मास सेम है, लेकिन वो एक टन वहाँ पे उसका वजन कम हो जाता है, वहाँ पे उसका वजन कहिए करीब 100 किलो हो जाएगा, एक टन से 100 किलो तक वजन घट जाएगा लगभग। तो समझिए आप एक भारी ट्रेन भी बना रहे हो और 100 टन का आपको सामान भेजना है, तो मान लीजिए 110 टन का हो गया सब चीज़ मिला के, तो 110 टन वहाँ पे 110 टन का वजन नहीं रखेगा, वो बेयरली कहिए आपका 200 किलो का वजन रहेगा, तो वजन कम हो जा रहा है। दूसरा, चूंकि वैक्यूम है चांद पे, ट्रेन को आप बहुत स्पीड से खींच सकते हैं मैगलेव को, तो मैगलेव लॉन्चर का इस्तेमाल करके हम लोग आराम से जो भी चीज़ माइन किया गया है उसको अंतरिक्ष में वापस डाल सकते हैं बिना रॉकेट का झंझट के, और ये डेली आप चला सकते हैं। तो उसके लिए लेकिन अंधेर ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा का ये सब ज़रूरत है। पहला है लाइफ सपोर्ट, दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्ट। फिर हम लोग बात आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है आरटीजी, जिसे हम लोग कहते हैं रेडियो आइसोट्रॉपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, बेसिकली ये समझिए बैटरी जैसा है। फिर है सोलर पैनल, आप तो जानते ही हैं सोलर पैनल के बारे में, मेरा वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर है सोलर थर्मल डिशेस। तो आइए एक एक को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला बात करते हैं आरटीजी के बारे में। आरटीजी से ज़्यादा सरल कोई तकनीक नहीं है। आरटीजी का काम सीधा यही होता है कि एक मटेरियल है जो डिके कर रहा है, हर मटेरियल डिके करता है, हर चीज़ का लाइफ होता है, जिसको आप सुनते होंगे कार्बन का हाफ लाइफ इतना है, यूरेनियम का हाफ लाइफ इतना है। तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, यानी कि 1-2 मिलियन साल की जगह पे ऐसा बनाया जाता है जिसका हाफ लाइफ हो करीब करीब मतलब 40-50 साल। तो अब उससे फ़ायदा होता है कि 40-50 साल में वो बहुत ऊर्जा दे रहा है, तो वो एक हीटर की तरह ग्लो कर रहा है। तो हम लोग आइसोट्रॉपिक जो थर्मो इलेक्ट्रिक बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक वहाँ से आ रहा है जो आपका रेडिएशन है।
थर्मो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है एक पेल्टियर डिवाइस होती है, जो मतलब अगर टेम्परेचर एक साइड गर्म एक साइड ठंडा कर दीजिएगा तो उससे वो बिजली बनाने लगता है। कोई चीज़ उसमें हिलता डुलता नहीं है सिवाय इलेक्ट्रॉन के, तो सॉलिड स्टेट से वो बिजली बना सकता है। मतलब कोई भी जनरेटर नहीं है कि पानी गर्म हो रहा है, भाप बन रहा है, भाप से टरबाइन चल रहा है, फिर वो भाप को ठंडा किया जा रहा है, फिर वापस डाला जा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सीधा सीधा ये मतलब गर्मी का सोर्स है, ये आपका पेजी इलेक्ट्रिक है, यहाँ से आपको बिजली मिल जा रहा है, कुछ नहीं सोचना है। तो ये मार्स पे भी इस्तेमाल किया गया है, ये चांद पे भी इस्तेमाल किया गया। तो इससे आसान टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, और ये सब हमें पता है कि 10 से 20 साल तक तो ये सोचना ही नहीं है। मतलब जितने भी अभी तक भेजे उसमें एक भी अभी तक फेल नहीं हुआ है, और 30-40 साल तक तो आराम से चल जाता है। मतलब 30 साल के बाद दूसरे चीज़ ब्रेक करने लगे, बैटरी आपका चलता रहेगा लेकिन बाकी चीज़ ये कहिए आप ख़राब हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसका पावर अगर लिखा जैसे मान लीजिए 100 किलोवाट का आप रखे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 100 किलोवाट देता रह जाएगा, वो घटते जाएगा, मतलब 1% पर साल के हिसाब से घटता जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा झंझट ये है कि बहुत कम पावर का होता है। जो क्यूरियोसिटी रोवर में भेजा गया है, 1 टन के रोवर में इसको जो भेजा गया है, इसका पावर 1 किलोवाट भी नहीं है। ये पावर देता रहता है, बैटरी इसको चार्ज करता है, जब बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है तब रोवर आगे जाता है। मतलब सीधे सीधे RTG से काम नहीं किया जा सकता। तो RTG लाइफ सपोर्ट के लिए काफ़ी हो सकता है, हम लोग खूब सारा RTG रख देंगे कि लाइफ सपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि RTG आप दफना सकते हैं। सोलर पैनल में प्रॉब्लम है कि अभी धूल गर्दा लग गया, और धूल गर्दा एटमोसफेयर के थ्रू चलेगा, लेकिन जितनी बार भी मीटियोराइट भिड़ेगा उतनी बार जो फैलेगा उससे तो नुकसान हो सकता है। और क्या पता मीटियोराइट छोटे छोटे खूब सारे गिरते रहते हैं, वो सीधा आपके सोलर पैनल पर गिर गया। तो RTG सेफ्टी देता है, सबसे ज़्यादा सेफ देता है, लेकिन कम पावर का है। तो सबसे पहला यही ऑप्शन। और हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर इसलिए नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ए वो रिस्की हो जाता है, दूसरा वो बहुत ज़्यादा पावर नहीं देता है, सोलर के पावर से आप नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन हाँ, अगर जैसे आप दूर चले गए, जैसे आप मंगल तक चले गए, तब न्यूक्लियर पावर आगे आ जाता है। लेकिन चांद जैसा दूरी पे, मतलब सूर्य से चांद की दूरी लगभग 8 मिनट की है, और सूर्य से बेसिकली मंगल की दूरी 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक की है, तो सब हिसाब लगाने के बाद ये आता है कि वहाँ पे तो नहीं सोलर काम करेगा लेकिन चांद पे करेगा। तो चांद पे न्यूक्लियर के बारे में बात नहीं किया, RTG इसलिए किया जाएगा ताकि सेफ है, सिंपल है, कुछ सोचना नहीं है। तो RTG के बाद आते हैं सोलर पैनल, ये फेज़ 2 में इस्तेमाल किया जाएगा। RTG से हम लोग सबसे मेन सिस्टम करेंगे, फिर सोलर पैनल से हम लोग बाकी सब स्टार्टिंग करेंगे। मतलब सर, ये सोलर पैनल से स्टार्टिंग की जाएगी। सोलर पैनल एकदम सिंपल है, कुछ तो है नहीं उसमें, आपको बस चीज़ है खोल के रख देना है, कुछ नहीं सोचना है। मतलब कोई चीज़ हिलता है, ये एकदम RTG से भी सिंपल है और बहुत ताकतवर है, क्योंकि अब ये सौर्य पे चल रहा है। तो और सौर्य का जो अंतरिक्ष में ऊर्जा है, मतलब धरती पे जमीन पे ऊर्जा का मान लीजिए अगर वो 10 वाट पर मीटर² होता है, अंतरिक्ष पे 100 वाट पर मीटर होता है। तो पर मीटर के हिसाब से सोलर बहुत पावरफुल है। तो चांद पे भी वही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ना होने के चलते लगभग 100% वो टच कर जाता है, इसमें क्या बोलते हैं, मतलब आपका सरफेस टच करता है। तो वहाँ जो सोलर पैनल रखेंगे वो ऐसा ही है कि आप उसको अंतरिक्ष में रखें, तो पावर बहुत मिलेगा उसमें, आप कुछ सोचना नहीं है, और एकदम सिंपल चीज़ है, बस ऐसे लेके खोल देना है, सोलर पैनल खोल देना है। नुकसान ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि आपका जो होता है EMR, उसका जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारा, जिसमें एक साइड में इंफ्रारेड है, दूसरे साइड में अल्ट्रावायलेट है, ये जो वेव है ये उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, सिर्फ एक छोटा सेक्शन का इस्तेमाल करता है, लाल से लेकर नीला तक का, जो कि रेनबो आप जिसको कहते हैं। तो प्रॉब्लम यह कि जैसे सन ऐसा नहीं है कि अल्ट्रावायलेट नहीं दे रहा है, या सन ऐसा नहीं है कि इंफ्रारेड नहीं दे रहा, सोलर सेल उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बहुत बेस्ट केस सिनेरियो में जितनी ऊर्जा पड़ेगी जमीन पे, मतलब मैथमेटिकली जितनी ऊर्जा पड़ रही है उसका 50% ही आप निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 50% भी बहुत हो गया। और जो पैनल 50% निकाल सकते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, और उसमें इतने सारे एलिमेंट इंजीनियरिंग लगती है। मतलब चीज़ तो आसान है लेकिन वो बनाने में इंजीनियरिंग बहुत लगती है, मतलब PhD लेवल से नीचे तो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे उसमें इतना तिगड़म क्यों है। तो आपको एक आइडिया देने के लिए कि हम लोग जो सोलर फार्म बनाते हैं वो बेयरली होता है कहीं 20% का, 20 से 25 मतलब आपको मिल जाएगा मार्केट में, 50 इतना महंगा होता है कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका भी पैनल 50% का नहीं है। तो समझ लीजिए कि ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इससे आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है, चीज़ बहुत सिंपल है, बस पैनल है उसमें तार लगा देना, कुछ होशियारी नहीं करना है। लेकिन मतलब सोलर सेल बनाना, जैसे कि इस तरह के आपको खूब सारे अभी इंटरनेट पर डायग्राम मिलेगा, धरती से भेजना तो सकते नहीं है, और अगर वहाँ पे कोई बनाए, जो बहुत सारे मैंने डिज़ाइन में देखा है जो रेगुलर यानी कि चांद की मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाएंगे, वो सब उससे भी लो इफिशियंट होता है। तो वो तो 5% भी इफिशियंसी से बड़ी बात है। तो 5% इफिशियंसी में हाँ आप दुनिया को चला सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होगा कि बहुत बड़ा चांद का एरिया आप
ख़त्म कर दीजिएगा। और जैसे एरिया चांद में अनंत है नहीं, तो आपको एरिया को संभाल के खर्च करना है, तो इसलिए सोलर पैनल सिर्फ सेकंड फेज तक ले जाएगा कि गाड़ी स्टार्ट कर देगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है जिसे हम कहते हैं सोलर थर्मल। ना सोलर थर्मल के इस तरह के डिश आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगे और ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी, मतलब हम ही लोग 100 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई खास इंजीनियरिंग नहीं लगा है, मतलब केमिस्ट्री के लेवल पर कुछ नहीं लगा, सीधा मेटल है। हाँ, आप थोड़ा सा इंजीनियरिंग करेंगे कि लुब्रिकेशन रहे, क्योंकि इसको 300 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हैंडल करना है, मतलब इसका जो साइड जो है छांव में होगा वो -150 पर रहेगा और जो साइड धूप की तरफ रहेगा वो करीब 300 डिग्री तक जा सकता है, पीक में जनरली 150 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो वो 300 डिग्री सेल्सियस का अप डाउन जो है उसको हैंडल करना पड़ेगा। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें चीज़ तो बहुत कॉम्प्लेक्स है कि चीज़ घूम रहा है, जैसे आप ये देख सकते हैं डिश घूमेगा और डिश में पूरा चक्के लग रहे हैं ताकि वो इधर उधर जा सके, और वो इसलिए किया जाएगा ताकि आप माइक्रो मीटियोराइट से इसको प्रोटेक्शन दे पाएँ। और उसके और फायदे भी होंगे, जैसे कि आप दिन का पीछा कर सकते हैं, क्योंकि चाँद बहुत धीरे घूमता है सूर्य के हिसाब से, तो अगर आप चाँद पे हैं तो चाँद पे आपको अपना गाड़ी जो है, समझ लीजिए ये सोलर कलेक्टर जो है सिर्फ 100 किलोमीटर एक दिन में हटाना पड़ेगा, पर घंटे नहीं, एक दिन में आप थोड़ा सा आगे गए और आराम से दोपहरा अगले दिन आप फिर सुबह 2 घंटा चले, फिर से अगले दिन सुबह 2 घंटा चले, मतलब वैसे ऐसा कर करके आप आराम से 24x7x365 आप आराम से धूप में रह सकते हैं। तो 24x7 लाइट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो पोल के ऊपर में लड़ाई करना पड़ जाएगा, तो ये चलेगा। दूसरा, ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि मतलब आपको पता है सन बहुत एनर्जी देता है, लेकिन सन बहुत ब्राइट है इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड जो हमारे सोलर सेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये उसका आराम से इस्तेमाल कर सकता है। और ये सब कोई कांच नहीं है, आप सीधा पॉलिश करके एल्युमिनियम भी रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि चांद पे धूल गर्दे का टेंशन नहीं है, बारिश का टेंशन नहीं है, आराम से चलता रहेगा। और उस पर अगर सोने की परत चढ़ा दी गई सिर्फ कुछ एटम का, मतलब ऐसा नहीं है कि टन बाय टन आपको 1-2 टन सोना चाहिए इसके लिए, मतलब 1-2 ग्राम वो भी बहुत हो गया, कि सिर्फ सोना से आप कोटिंग कर दी तो बहुत अच्छे से वो इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट कर पाएगा। इसीलिए आप जो अपोलो मिशन में जो लूनर लैंडर थे उसमें सोना का फॉइल देखते हैं कि सोना बहुत अच्छे से इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको आप बहुत सिंपली बना सकते हैं। और स्टर्लिंग इंजन का इस्तेमाल करके हम लोग एसी करंट को बनाएंगे, एसी करंट, और इसमें जो बनाएंगे वो हाई फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, 3 फेज नहीं बनाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, और इसको इसका फ़ायदा मैं आपको आगे बता दूंगा। और ये समझिए कि स्टर्लिंग इंजन जो है वो तभी अच्छे से काम करता है जब उसका प्लस और माइनस साइड में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो, धरती में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए ये हर जगह नहीं आपको देखने को मिलता, क्योंकि जैसे मान लीजिए जहाँ पे सौर एनर्जी बहुत है वो तो हवा भी तो बहुत गर्म होती है ना, तो 60 डिग्री सेल्सियस का तो हवा ही है, तो आप मान लीजिए ये पॉइंट पे आप गर्मी कर रहे हैं 600-700 डिग्री का, तो वो गर्मी ठीक है और गर्मी का अंतर से वो चलेगा, आराम से चल रहा है और बिजली बन रहा है, लेकिन अगर ठंडा साइड आप बहुत ठंडा कर पाए तब बहुत ज़्यादा बिजली मिलेगा। तो ठंडा साइड चांद के साइड में हो जाता है -150 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ठंडा है, इसमें बहुत एनर्जी अच्छा से एक्सट्रैक्ट हो पाएगा। तो अंतरिक्ष में ठंडा करने के लिए रेडिएटर इस्तेमाल करते हैं, ये सब रेडिएटर जो आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का रेडिएटर है, मतलब आप ये समझिए कि अगर अंतरिक्ष में आप किसी स्पेस स्टेशन में है, कोई भी बड़ा स्पेस स्टेशन है और उसका पावर ख़त्म हो गया और ये कूलिंग फिन बंद हो गए, तो आप अंदर भट्टी की तरह गर्म हो जाइएगा, अंतरिक्ष ठंडा नहीं होता, अंतरिक्ष वैक्यूम है, वैक्यूम आप देखते ही होंगे, वैक्यूम फ्लास्क जो होता है उसमें आप कुछ भी गर्म रख दें कितना टाइम तक गर्म रह जाता है। तो अंतरिक्ष में ये समझिए कि वैक्यूम में रेडिएटर अलग से बनाए जाते हैं, तो इस तरह के रेडिएटर इसके पीछे लगा रहेंगे, तो टेम्परेचर का जो अंतर है कि मतलब एक साइड आप 600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लीजिए और दूसरा साइड -150 तक कर लीजिए, स्टर्लिंग इंजन आपका मस्त पावर देगा, एकदम हाई फ्रिक्वेंसी पावर देगा। तो ठीक है, पावर तो आप ले लिए, तो फिर आप पावर को भेजने के लिए ऐसा थोड़े है कि आप पूरा इंडस्ट्री अपना एक सोलर डिश पे चलाएंगे, बहुत बड़ा बना सकते हैं लेकिन एक पे तो आप चलाएंगे नहीं, तो बहुत सारे बनाएंगे, तो बहुत सारे को जोड़ेंगे कैसे, ठीक है, तो उसको जोड़ने के लिए जो ग्रिड बनाएंगे वो होगा हम लोग का हाई वोल्टेज डीसी। मैंने कल जो वीडियो बनाया था हाई वोल्टेज डीसी के बारे में, जो कि मतलब समझिए दुनिया में अब इस्तेमाल होने लगा है, तो उसके बारे में सबसे पहला व्यक्ति यह था कि प्रॉब्लम है कि हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज बनाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैंने बोला स्टर्लिंग इंजन एसी देता है, तो एसी को आप आराम से हाई वोल्टेज कर दें और हाई फ्रीक्वेंसी होने के चलते ट्रांसफार्मर का साइज़ भी छोटा हो जाएगा, तो आराम से हम लोग एक अच्छा क्वालिटी का डीसी बना सकते हैं, डीसी मतलब जिसमें रिपल नहीं हो, तो डीसी जो बनाए उसको आराम से, चूँकि वो एसी था तो उसको एसी को अल्ट्रा हाई वोल्टेज कर दिए, मतलब 1,000,000 वोल्ट तक कर दिए, और चांद पे वोल्टेज बढ़ाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि वैक्यूम होने के चलते बिजली इधर से उधर कूदेगी नहीं, तो आपको उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, आराम से अंधेर जैसा पागल जैसा आप बिजली बढ़ा दीजिए। और चूंकि जो तार सब होगा वो आप ज़मीन के अंदर दफनाए रखेंगे, वो दफनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि मीटियोराइट्स उस पर डैमेज ना हो, दूसरा अगर मतलब सूर्य के साइड में तार आ गया, तार 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा,
तो वो गर्मी से बचाने के लिए आप रखेंगे, लेकिन अगर आप छाँव में रखते हैं या जैसे मान लीजिए थोड़ा सा उसको कवर कर दे रहे हैं, तो वो -150 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उस तापमान पे आपका जो नॉर्मल कंडक्टर है, मतलब अल्मीनियम हो जो चांद पे बहुत है, तो वो अल्मीनियम बहुत अच्छा से उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो मतलब ज़्यादा ऊर्जा ज़्यादा दूर तक ले जा पाएंगे, लगभग ये सुपर कंडक्टर जैसा बन जाएगा। लगभग पूरा सुपर कंडक्टर नहीं बनेगा, लेकिन लगभग सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेगा। तो इसलिए ज़मीन में डालना है, और ज़मीन में डाल सकते नहीं आप एसी बिजली को, मेरा पिछला वीडियो में आपको देख के ये समझ में आ ही गया होगा। तो डीसी इस्तेमाल करना है, और हाई फ्रीक्वेंसी अगर 10 से आ रहा है तो डीसी बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। फिर इसको हम लोग चांद के चारों तरफ घुमा घुमा के बनाएंगे, मतलब जैसे पोल पे स्टार्टिंग में हम लोग पोल पे उतरेंगे, क्योंकि पानी पोल पे है। अब पोल में कुछ कुछ जो पहाड़ी एरिया, जो क्रेटर का जो रिम है, वो ऐसा जगह पे है जहाँ 24x7x365 सूर्य आता रहता है। कुछ ही जगह ऐसा है, इसीलिए मैं ग्रिड बनाने पे पढ़ा हूँ, और इसीलिए मैं पढ़ा था कि सोलर डिस्क ऐसा बनाना जो मूव कर सके, ताकि वो सन को ट्रैक कर सके। ऐसा आप नहीं कर सकते कि उसी जगह पे आपका पूरा इंडस्ट्रियल वर्ल्ड चलने लगेगा। तो इसीलिए आपको लूप बनाना पड़ेगा जिसपे आप कनेक्ट करते रहेंगे मल्टीपल प्लेसेस पे। तो आप स्टार्टिंग तो पोल पे करेंगे, तो पोल पे तो आपको बेयरली आपको सही है हर 4 दिन पे आपको डिश घुमाना पड़ेगा। जैसे जैसे इधर आएंगे ज़्यादा ज़्यादा दूरी घुमाना पड़ेगा। यहाँ पे आप रोड भी बना सकते हैं, तो रोड बनाने के लिए कुछ नहीं है, सोलर डिश को लेना है, बस उसको रोड पे फोकस कर देना है, मतलब ज़मीन पे। तो यहाँ का ज़मीन जो है, अगर 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आप गर्मी देंगे, तो ये वल्कनिक ग्लास जैसा बन जाएगा, जिसको ऑब्सीडियन कहा जाता है, उसके जैसा बन जाएगा, बस एकदम चिकना ठोस पत्थर जैसा बन जाएगा, जिसमें आप आराम से भारी वजन इधर से उधर ले जा पाएंगे। तो इसीलिए ग्रिड बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में तो 1-2 बनाएंगे, फिर 5-6 बनेगा, फिर 50-60 हज़ार बन जाएगा। तो इसीलिए ग्रिड चाहिए। और जब ये ग्रिड बन चुका है, जब प्रॉपर ऊर्जा आने लगी, क्योंकि ये माइनिंग उनिंग है, जो पिक्चर में तो दिखा देते कि मतलब उस पे कर रहे हैं, टॉप पे कर रहे हैं, मतलब सरफेस पे कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में अंडरग्राउंड माइनिंग करना ज़्यादा आसान रहेगा। क्योंकि जो 300 डिग्री सेल्सियस का जो मैं तापमान अप डाउन बता रहा हूँ, वो सोलर स्टर्लिंग के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन बाकी सब चीज़ को तबाह कर देता है। तो इसीलिए एक ग्रिड बनाना ज़रूरी है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोलर पावर के बारे में, जो कि मून पे अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट 2 अच्छा लगा हो मून माइनिंग के बारे में। और अगर ऐसा है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं लगा कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। और मैं कहूँगा कि अगर आप फ्री हैं तो घंटी भी बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।